और दोस्तों, मैं हरेंद्र बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, सभी को बड़े बेसब्री से इंतजार है 5G फोन्स के बारे में। तो ऐसे एशियन मार्केट के अंदर जो है पहला 5G फोन जो है वो सैमसंग लेके आ चुका था, हुआवे भी जो है अपना पहला 5G फोन लेके आ चुका है, जेटी है वो भी एक्सनोस 10 प्रो जो है अपना फर्स्ट 5G स्मार्टफोन लेके आ चुका है। तो ऐसे के अंदर आपके पास जो है एक और 5G फोन आ चुका है आपकी भरोसेमंद ट्रस्टेबल ब्रांड के द्वारा। तो उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे इस फोन की प्राइस के बारे में, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस जो है वो इस फोन की होने वाली है। और आपको इस फोन के अंदर एक ऐसा फीचर देखने को मिलेगा जो आज तक आपको किसी भी स्मार्टफोन में ये फीचर आपको देखने को नहीं मिला है। तो ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या फीचर आपको नया इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में, शुरू करते हैं इस फोन के नाम से। तो इस फोन का जो नाम है वो मैं आपको बता दूं, ये है LG का, आपकी ट्रस्टेबल ब्रांड LG का V15 ThinQ 5G। नाम थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है लेकिन फोन जो है वो नाम से भी ज्यादा मजेदार है। ये अवेलेबल हो चुका है सेल्स के लिए साउथ कोरिया के अंदर, और ये जो है साउथ कोरिया के अंदर लॉन्च होने वाला थर्ड 5G फोन है, और एशियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला सेकंड 5G फोन जो है ये है सैमसंग गैलेक्सी S10 5G के बारे में। तो इस फोन के अंदर हमें एक ही कलर ऑप्शन मिल पाता है जो कि है इसका ब्लैक कलर। और साथ में हम आपको बता दें कि इस फोन के अंदर हमें जो है सिंगल सिम मिल पाता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है लेकिन भैया सही है। यदि आपको 5G मिल पा रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर तो भैया सिंगल सिम भी सही है। मेरे को नहीं लगता कि आजकल भी जो है अपने फ़ोन के अंदर कोई तीन तीन सिम वाला फ़ोन यूज़ कर रहा होगा, एक सिम दो सिम काफ़ी हैं। तो आप दो फ़ोन रख सकते हैं कि आप ड्यूअल सिम यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ई सिम के जो ऑप्शन हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं। आगे आने वाली टेक्नोलॉजी के अंदर हो सकता है हमें इंडिया के अंदर भी ये ऑप्शन देखने को मिल जाए तो हम इनका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा सिम के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इसके अंदर सिंगल सिम जो है नैनो सिम हम यूज़ कर पाएंगे। 6.4 इंच की OLED QHD+ डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर मिल जाती है। लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिल जाता है। 4000 mAh की मैसिव बैटरी आपको इसके अंदर मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग के साथ आपको इसके अंदर मिल जाती है। यदि बात करें इस फोन के रियर कैमरा सेटअप की तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हमें मिल पाता है। 12 MP + 12 MP + 16 MP का जो है इसका रियर कैमरा सेटअप। और बात करें इसके फ्रंट कैमरा सेटअप की तो इसके अंदर हमें मिल जाता है 8 MP + 5 MP का ड्यूअल फ्रंट कैमरा सेटअप इसके अंदर हमें मिल जाता है विद RGB सेंसर के साथ, ये हमें मिल पाता है। और इस फोन की यदि बात करें तो इस फोन के अंदर जो है हमें 128 GB स्टोरेज मिल जाता है रियर फिंगरप्रिंट के साथ, और USB Type-C इसका जो है वो चार्जिंग पॉइंट हमें मिल पाता है इसके अंदर। और ये आपका पहला 5G फोन होगा जो आपका वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ रहेगा। और इस फोन की भैया प्राइस जो है वो है सिर्फ 67,000 रुपीज़ इस फोन की प्राइस है। और अब हम आपको बताने वाले हैं इस फोन के ऐसे स्पेसिफिकेशन के बारे में जो आपको सिर्फ इसी फोन के अंदर ये फीचर मिल पाता है, जो आपको दे पाएगा मल्टीटास्किंग के लिए बड़े ही कमाल का। भैया इसके अंदर आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी डिस्प्ले। जी हाँ, यदि आप एक और एक्स्ट्रा डिस्प्ले यूज करना चाहते हैं मल्टीटास्किंग के लिए तो आपको एक 13,000 रुपए की कॉम्पैक्ट डिस्प्ले भी आपको मिल जाती है कंपनी के द्वारा। ये अटैचमेंट आपको मिल जाता है जो आप इस फोन से अटैच करके और आप ड्यूअल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है वो यूज कर पाएंगे, और जो आपके लिए बड़े ही कमाल का हो पाएगा। और आपको 5G की स्पीड के अंदर मल्टीटास्किंग का बड़े ही कमाल का जो है बेनिफिट आपको दे पाएगा। तो ये इस फोन के बारे में आपको क्या खास लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और मेरे को लगता है ये अब तक का सबसे अच्छा 5G फोन है जो कि मेरे ख्याल से फोल्डेबल फ़ोन वगैरह के कॉन्सेप्ट में काफ़ी मज़ेदार फ़ोन है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। और हाँ, यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी नया कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, हमें आपके सब्सक्राइब करने से हिम्मत मिलती है नए वीडियो लेके आने की।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजे में रहिए। धन्यवाद।